मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल मैक्रोनी। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। गाजर, शिमला मिर्च, काली मिर्च, नमक, मैक्रोनी, प्याज, सोया सॉस, टमाटो सॉस, चिली सॉस, गार्लिक पेस्ट। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी वेजिटेबल मैक्रोनी। इसके लिए सबसे पहले हमने अपनी ये जो मैक्रोनी है इसको बॉईल करना है। इसको हमने पानी में डाल लेना है और इसको 5 से 10 मिनट के लिए हमने बॉईल करना है। थोड़ा सा 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल का डाल के हमने इसको बॉईल कर लेना है। पानी हमने इसमें खुला डालना है। जितनी मैक्रोनी हो वो अच्छे से पानी में डूबी होनी चाहिए और उसके ऊपर 2 गिलास कम से कम पानी के होने चाहिए ताकि ये खुला अच्छे से उबल सके। उसके बाद एक बारी 5 से 10 मिनट के बाद जब ये हो जाएगी तब हमने इसको छान लेना है और रिफाइंड ऑयल लगाकर इसको रख देना है। ये हमने अपनी मैक्रोनी जो है बॉईल करके रखी हुई है। ये देखिए, इसके बॉईल होने के बाद ये ऐसे हो जाएगी बॉईल होके, और इसके बाद हमने इसमें ऑयल लगा दिया है ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। गैस खोलेंगे हम अपनी। इसमें जो है हम डालेंगे अपना रिफाइंड ऑयल, एक मीडियम साइज का चम्मच रिफाइंड ऑयल का। उसमें हम डालेंगे अपनी एक गार्लिक सॉस, ये डालेंगे हम तकरीबन 1 चम्मच। इसको हमें सॉटे कर लेना है। इसके साथ ही हमने डालना है प्याज कटा हुआ बारीक, एक मीडियम साइज का प्याज कटा है हमने। ये 1 मिनट के लिए हमने सॉटे कर दिया है। प्याज हमारे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। इसमें हम डालेंगे अपना कटा हुआ गाजर, एक गाजर हमने डाली है। साथ ही हमने डाल देना है शिमला मिर्च कटी हुई। आप जो मर्जी सब्जियां आप चाहें आप डाल सकते हैं। आप इसमें ब्रोकली भी डाल सकते हैं, बीन्स भी डाल सकते हैं। आपको जैसे टेस्ट हो वैसे आप कर सकते हैं। इसमें अब हम डालेंगे नमक। नमक डालेंगे हम तकरीबन 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच हम डालेंगे काली मिर्च की। इसको हमने सॉटे कर लेना है। गैस हमने हल्की कर देनी है और अपना जो ये मैक्रोनी है ये बीच में डाल देनी है। इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब हम गैस को 2 मिनट के लिए बंद कर देंगे और अपनी सॉसेस डालेंगे इसके अंदर। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी अपनी चिली सॉस, 1 से 1.5 चम्मच। टमाटो सॉस डालेंगे 2 चम्मच और हम सोया सॉस डाल देंगे इसमें तकरीबन 1 चम्मच के करीब। एक चम्मच हम सोया सॉस का डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है और फिर हमने नीचे से अपनी गैस खोल देंगे। एक मिनट के लिए हम इसको सॉटे करेंगे। ये हमारी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है, वेजिटेबल मैक्रोनी। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। बच्चे इसको बहुत ही खुश होकर खाते हैं, बड़े भी खाते हैं बहुत खुश होकर इसको। अब हम सर्व करेंगे। अब हमारी वेजिटेबल मैक्रोनी रेडी है, इसको हम सर्व करेंगे। अपने बोल में हम डालेंगे इसको। अपने हिसाब से हमने सॉसेस डाल लेनी है। टमाटो सॉस, चिली सॉस, जितनी हम खाना चाहें हम डाल सकते हैं। ये हमारी अब वेजिटेबल मैक्रोनी रेडी है। आप इसको मेरी रेसिपी से बनाइए। आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।